नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 20 वाट ट्यूब ड्राइवर सर्किट है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 4 पीस 225 के 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद ये 4 कैपेसिटर हम पैरेलल लाइन में एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड और एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 47 के रजिस्टर को हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 50 ओहम 10 वाट रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस 47 के रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक 20 वाट ट्यूब ड्राइवर सर्किट अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।